नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के जिला अस्पताल में ब्लड बैंक में पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर और समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष फैसल अलवी के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर आज अपने समर्थकों के साथ जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष फैसल अलवी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन के शुभ अवसर पर युवा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि समाज की सेवा करना समाजवादी पार्टी का पहला कर्तव्य है। इस अवसर पर गोलू त्यागी, अनुज, मोहम्मद सलीम उर्फ गुड्डू, कासिम मकरानी, मोहम्मद अखलाक, जावेद, वसीम मलिक, जुहैब चौधरी, निसार अली, शोभित, संदीप गुज्जर, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार यादव आदि मौजूद रहे। मंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन है और इस जन्मदिन को हम गरीब सेवा के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता बना रहा है। हमारे जनपद के अंदर कई कार्यक्रम जो गरीबों के सेवा के रूप में थे, जैसे हमारे समाजवादी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष फैसल अलवी और उनके सैकड़ों साथियों के साथ में यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप किया गया, और दूसरे जो गरीबों की है वृद्धाश्रम में जाकर गरीबों की सेवा में राशन वितरण किया गया, अस्पतालों के अंदर फल वितरित किए गए, और सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया कि हम 2022 के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीतियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, जिस तरह से किसानों को बर्बाद करने का काम किया, नौजवानों को बर्बाद करने का काम किया और समाज के हर वर्ग को बर्बाद करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उन जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच में जाकर बताएंगे। और 2022 के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर इस संकल्प को पूरा करेंगे। किसान आज हाईवे पे बैठे हैं और टोल फ्री कर दिया है पूरे प्रदेश में, क्या कहना है? देखिए, किसान पूरी तरह से उत्पीड़ित है और सरकार तरह तरह से किसान को, प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रही है। आज टोल टैक्स के ऊपर टोल को इतना बढ़ा दिया कि कोई गरीब आदमी अगर उससे निकलता है तो टोल के कर्मी उनके साथ महंगा टोल के साथ साथ उन गरीबों के साथ मारपिटाई तक करते हैं। यदि किसानों के साथ ये उत्पीड़न हो रहा है और किसान उसकी आवाज़ उठा रहा है तो निश्चित तौर पर वो ठीक उठा रहा है। सरकार को टोल वसूलना चाहिए, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह की वो वसूली हो रही है, जिस तरह के टैक्स दिए जा रहे हैं, कम से कम उस तरह की सुविधाएं भी किसानों को मिलनी चाहिए। अच्छा, देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार में चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है, जैसे कि जनसंख्या कानून को लेकर, क्या कहना है इस पर? देखिए, जनसंख्या का जहाँ तक सवाल है, इस देश के हर आदमी को अपने देश की तरक्की के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से एक पार्टी प्रचार प्रसारित कर एक विशेष वर्ग को इसे दूषित करने का काम कर रही है, जिस तरह से हर काम को जात बिरादरी और धर्म के नाम पर बांटा जाना है, वो गलत है। मैं इसका पक्षधर हूँ। जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या कंट्रोल होगी तभी हमारे देश की तरक्की होगी। लेकिन उसकी नीति ये नहीं होनी चाहिए कि एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष को आप उसका दोषी मान लिया जाए। सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए, सरकार को कानून बनाना चाहिए, तो सबके लिए पॉलिसी लानी चाहिए, सबके लिए कानून बनाना चाहिए। कानून तो सभी के लिए बनता है, एक कानून के लिए नहीं, नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से लोग और जिस तरह से लोग प्रचारित कर रहे हैं, उनका ध्येय जनसंख्या नियंत्रण करना नहीं है। 6 साल से मोदी जी की अमरोहा के हसनपुर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान का नगरपालिका द्वारा शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत सफाई अभियान विशेष रूप से चलाया जाएगा और नगर में दवाइयों का छिड़काव भी कराया जाएगा। बृहस्पतिवार को नगरपालिका परिषद में संचारी रोग अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अधिशासी अधिकारी निहाल सिंह ने कर्मचारियों को सफाई आदि की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत नगर में सफाई अभियान चलाया गया, नालियों में दवाई का छिड़काव होगा और सैनिटाइज का कार्य भी किया जाएगा, तथा रोड के किनारे जो वनस्पति उग जाती है उसको भी काट दिया जाएगा। वर्षों से ये अभियान चलाया जा रहा है और साल में 2 बार ये अभियान चलाया जाता है। पहले 18 जनपदों में चलाया जाता था, 75 जनपदों में इसको सफलता को देखते हुए इसको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जो नोडल विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में अन्य 11 विभागों के सहयोग से ये अभियान चलाया जाना है। इसमें हमारे नगर विकास विभाग है, पंचायत राज विभाग है, शिक्षा विभाग है और ICDS है,
तो इसमें जो गतिविधियां चलाई जानी है उसको एक सूक्ष्म माइक्रो प्लानिंग के तहत बनाया गया है, जिसमें ये ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक गांव मोहल्ले और क्षेत्र को हम इसमें सैचुरेट कर सकें और वहाँ व्याप्त जो गंदगी है, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज का समय है तो जो हमारी वेक्टर बॉर्न डिजीज है उनसे बचाव के लिए क्या उपाय किए जाने हैं, क्या वहाँ पे हमें सावधानता फैलाई जानी है, तो विभिन्न आयामों के तहत इसमें गतिविधियाँ की गई हैं। इसमें जनजागरूक अभियान के तहत काम क्या किया जाना है आशा और आंगनबाड़ी के माध्यम से, फिर उसके बाद 1 से 15 तक की हमारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलेगा जिसमें साफ सफाई और जागरूकता अभियान चलेगा। इसमें 10 तक अभियान एक और जोड़ा गया है जिसमें स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न गतिविधियां हैं जो संचालित की जाएंगी, जिसमें रोगियों का चिन्हीकरण है, जो गंभीर रूप से बीमार रोगी हैं उनका चिन्हीकरण कर टीबी के रोगों को। अमरोहा के हसनपुर में बिजली घर पर किसानों की आ रही शिकायतों के चलते विधायक ने दौरा किया और कहा कि बगैर जेई के शटडाउन नहीं मिलेगा। गुरुवार की दोपहर के बाद भाजपा विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने नगर के बिजली घर का दौरा किया। उन्होंने बताया कि बिजली घर में भरपूर बिजली है और किसानों की प्रतिदिन शिकायतें आ रही है। विधायक ने कहा कि लाइनमैनों की लापरवाही के कारण विद्युत व्यवस्था सुचारू नहीं हो पा रही। उन्होंने जेई समेत एसडीओ व एक्सीएन को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि शेड्यूल के मुताबिक किसानों सहित क्षेत्र की जनता को बिजली मिलनी चाहिए, अगर कहीं शिकायत होती है तो बिजली आते समय उसको ना कराएं और जैसे ही बिजली चली जाए उसके बाद सारी शिकायतों का एक साथ समाधान करें। ये खराब है सर, बिजली भरपूर है और बिजली भरपूर होने के कारण किसानों की ये बार बार कंप्लेंट आ रही है कि बिजली हमें भरपूर नहीं मिल रही, जबकि बिजली घर पे बिजली भरपूर है, बस इनकी थोड़ी लैंडमैनों की लापरवाही के कारण ये हो रहा है। अभी हमने रिएक्शन साहब से कहा है कि अगर किसी का फॉल्ट हुआ है तो जब बिजली ना हो उस समय उसको ठीक करा जाए, ये नहीं कि बिजली आ रही है उसको तार जोड़ने में लग गए 3 घंटे तो पूरा मोहल्ला पूरा क्षेत्र वो उसको बिजली के बगैर रहेगा। ऐसा सिस्टम हम कराने जा रहे हैं, अगर किसी का फॉल्ट ठीक होगा तो वो जब ही ठीक होगा जब सबके ठीक होंगे। मान लो 10 कंप्लेंट आई तो 10 को हमें 15 मिनट में करना है तो 15 मिनट में 10 को निपटाना है, ये नहीं है कि आप इनका जोड़ दिया उनका लगा दिया इसको कर दिया उसको ठीक कर दिया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। बिना जेई के कोई भी सिट डाउन किसी बिजली घर से नहीं मिलेगा, ऐसा आदेश हमने अभी एक्शन साहब से कराने जा रहे हैं, क्योंकि मर्जी से अपनी मर्जी से जो लैंड मैन कभी भी सिट डाउन लेता है वो सिस्टम गलत है। जो भी सिट डाउन लेगा एसडीओ से लेगा, जेई से लेगा या एक्शन से लेगा, ऐसा नहीं है कि जी मेरा तार हट गया आप सिट डाउन दो और मेरी लाइन जुड़वाओ। अब लाइन जुड़ेगी तो सबके सिस्टम में जुड़ेगी, उसके कारण ये बिजली की दिक्कत आ रही थी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, भरपूर बिजली है देहात में भी और शहर में भी। जो भी हो रहा है ये लाइनमैन की गड़बड़ से निकल कर आ रही है, तो लाइनमैनों की गड़बड़ निकल कर आई है। अब कुछ लाइनमैनों को हम हटवा रहे हैं, कुछ जेई को हटवाएंगे जिनकी लापरवाही इसमें दिखाई दे रही है, और जिस विभाग इस विभाग में जिसकी भी लापरवाही है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराऊंगा। अमरोहा जनपद के राजापुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा को भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर अनिश्चितकालीन रूप से टोल फ्री करा दिया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम सदर और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। किसानों का कहना है कि हम तब तक फ्री रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी और किसानों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से किसानों के संगठन के नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन किसानों के संगठन की तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिसकी वजह से नाराज किसान संगठनों ने आज जगह जगह आंदोलन तेज कर दिया है। कल हमारे गाजीपुर के जहाँ धरना संगठन चल रहा था वहाँ पर कुछ बीजेपी वालों से हमारे किसानों की झड़प हो गई थी, और उस झड़प में हमारे लोगों की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई जबकि बीजेपी वालों की रिपोर्ट दर्ज हो गई हमारे लोगों के खिलाफ। तो इस करके हम भी अपनी रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं, जब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी आगे टोल फ्री रहेंगे। अच्छा, ये कब से चल रहा टोल फ्री? ये हमारा 1:30 बजे से, आज 1:30 बजे से टोल फ्री है और अनिश्चितकालीन के लिए है, कोई समय सीमा नहीं है कब तक रहे। अच्छा, थाने का जो घेराव को कह रहे थे उसका क्या है? देखिए, थाने और टोल दो का आदेश हुआ है ऊपर से कि जहाँ टोल पहले से धरना चल रहा है उन्हें फ्री करा जाए, और जो लोग ज़्यादा दूर है टोल से वो अपने थानों का घेराव करें, कप्तान ऑफिस का घेराव करें। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तब तक ये चलता ही रहेगा। कुछ का आज हो जाएगा, आज एक मैंने कहा है गंगेश्वर धूल बता वहाँ के थाने का घेराव है और एक धनोरा के लिए बुला है मैंने, और बाकी का कल से तो सभी थानों का हम घेराव करना। We'll be right back.
आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।